स्कूल जा रही दो छोटी बच्चियां दे नाल छेड़छाड़ की गई है, जिस तो बाद राहगीरां ने मौके दे उत्ते ही बदमाशां नूं काबू कर लिया अते उन्हां दी छत्तर परेड की गई, जिस तो बाद उन्हां नूं पुलिस दे हवाले किया गया। दस दिए कि इलाके दे विच लगातार छेड़छाड़ दे मामले सामने आ रहे सी, ते हुण स्कूल जा रही दो बच्चियां दे नाल छेड़छाड़ की गई है। तो मामला यमुनानगर तो सामने आया, गुस्से दे विच आए परिवारक मैंबरां दे वल्लों सड़क दे उत्ते जाम लगा दिता गया है अते दोषियां दे खिलाफ सख्त तो सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। तो दस दिए कि लगातार यमुनानगर के अजिही वारदातां वध रही ने, जिसके कारण हुण परिवारक मैंबर भी काफ़ी गुस्से दे विच नज़र आ रहे हैं। ठीक तुहानू दस दिए कि इस तो चार दिन पहला दो मासूम बच्चियां दे नाल रेप तो बाद उन्हां दा कतल कर दिता गया। अजिहे दे विच हाले वह चंग्याड़ी हाले ठंडी भी नहीं सी हुई, तो हुण एक बार फिर तो यह छेड़छाड़ का मामला सामने आया, जिस तो बाद पूरे शहर के लोग थाने के बाहर इकट्ठे हो गए और पुलिस प्रशासन के कोल इंसाफ की गुहार लगाई गई है। तो यमुनानगर तो यह मामला सामने आया, जिथे कि स्कूल जा रही दो नाबालिग बच्चियों के नाल छेड़छाड़ की गई है। की जा रही है भाई, पुलिस के संज्ञान में आया था कि कुछ दो लड़के हैं जो आते जाते कॉलेज की लड़कियां हैं, स्कूल की लड़कियां हैं, उनको साथ छेड़खानी कर रहे थे। तो आज संज्ञान में जैसे ही आया तो तुरंत पुलिस ने कार्रवाई करी है, उनके खिलाफ बाकायदा केस रजिस्टर कर दिया है और जल्दी हम उनके अरेस्ट करके और पॉक्सो एक्ट हमने लगाया है, जो भी छेड़खानी की धाराएं हैं वो लगाई है, जो पीछा करने की धाराएं हैं वो लगाई है, और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके हम बहुत जल्दी इसको अंजाम तक पहुँचाए। कोई पहले भी आपराधिक मामले हैं उनके खिलाफ? वो अभी हम चेक कर रहे हैं, वो भी चेक कर रहे हैं। बच्चों के द्वारा जो लड़कियों की छेड़छाड़ उनके द्वारा शिकायत दी गई है? हाँ, बच्चों ने शिकायत दी है, उनके पेरेंट्स की तरफ से भी हमने वो लिया है। तो बाकायदा जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई कानून कार्रवाई है हम करेंगे। आरोपियों की हम अभी तुरंत प्रभाव से उनसे पूछताछ करने के बाद उनकी गिरफ्तारी करेंगे। थैंक यू सर।